नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल एक में पर्याप्त बचत हासिल करने के लिए अभिनव परियोजना लागू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल एक के अत्यधिक उद्यमी कर्मचारियों की एक टीम ने कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल करने के लिए मिल में एक अभिनव परियोजना लागू की है। इसके अलावा प्रयास ने प्रणाली के साथ साथ कार्यस्थल पर भी सुरक्षा को बढ़ाया है। टीम में शामिल एचएसएम एक के सभी वरिष्ठ तकनीशियन श्री देवराज सारंगी, श्री देवानंद मिंज और श्री बाबली कुमार स्वाई ने महाप्रबंधक प्रभारी विद्युत एचएसएम एक श्री आर के मुदलई के मार्गदर्शन में मिल में आरओटी कोल्ड वाटर पंप सेलर के जल भराव के कारण खतरों और असुरक्षित स्थिति का उन्मूलन पर सफलतापूर्वक परियोजना को कार्यान्वित किया। विशेष रूप से मिल में स्ट्रिप में परिवर्तित होने के बाद स्लैब को रन आउट टेबल पर चलाया जा रहा है, जहां स्ट्रिप के गुणों को बनाए रखने के लिए लामिनायर कूलिंग किया जाता है। आरओटी पंप हाउस सेलर से संचित पानी को डुबोने के लिए दो एलटी डीवाटरिंग पंप ऑटो मोड पर लगे हुए हैं। प्रोब और एक मूल्यांकन इकाई के साथ स्टार्टअप पैनल अप्रचलित हो गया था और कोई अतिरिक्त स्पेयर्स उपलब्ध नहीं थे। प्रोब की खराबी से आरओटी सेलर में जल भराव होता है और पंप हाउस के लामिनायर कूलिंग सिस्टम की एचटी और एलटी मोटरें जलमग्न हो जाती हैं। रोलिंग बाधित हो रही थी, मोटरें क्षतिग्रस्त हो जाती थी और कई बार समस्या के कारण असुरक्षित कार्य वातावरण निर्मित हो जाता था। पंप हाउस से जल निकालने के लिए अग्निशमन विभाग की मदद ली जा रही थी। सर्वकालीन समस्या को हल करने के लिए कर्मचारियों की टीम एक अभिनव समाधान के साथ सामने आई। एक नया सम पंप स्टार्टअप पैनल तैयार किया गया और इसे 0 मीटर मिल तल स्तर पर पुनः स्थापित कर दिया गया। विद्युत सर्किट में आवश्यक संशोधन किए गए और जांच पर फ्लोट स्विच द्वारा बदल दिया गया। पंप हाउस सेलर की संभावित बाढ़ के लिए दृश्य संकेतन प्रदान किए गए और एक संकेतक हुटर लगाया गया, जिसे ऑटो मोड विफल होने पर ऑपरेटरों को मैनुअल मोड में पंप चलाने में मदद करने के लिए पंप हाउस की एचटी एवं एलटी मोटरों की सुरक्षा को और निर्बाध रोलिंग बनाए रखा जा सके। घरेलू संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ परियोजना के सफल कार्यान्वयन से लगभग 76 लाख रुपये की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बचत हुई है। इसके अलावा इससे विभाग में उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार भी आया है। टीम में सेल सुरक्षा संगठन द्वारा आयोजित इस्पात अनुभूति पुरस्कार 2020 योजना के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल विभाग के ऑपरेटर श्री युसाबित डाइस और श्रीमती मेलिसा डाइस के सुपुत्र सिल्वेस्टर डाइस ने राष्ट्रीय खेलों के लिए उड़ीसा टीम में चयनित होकर इस्पात शहर को गौरवान्वित किया है। सिल्वेस्टर को उनकी क्रीड़ा प्रतिभा के लिए जाना जाता है, जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वेट लिफ्टिंग और डिस्कस थ्रो में पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में वह 28 सितंबर से 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के इटावा में आयोजित स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2020 में भाग लिया और डिस्कस थ्रो और वेट लिफ्टिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। वह वेट लिफ्टिंग में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। वह वेट लिफ्टिंग में 80 किलोग्राम क्लीन जर्क, 70 किलोग्राम स्नैच और 90 किलोग्राम स्क्वैट उठाया। वह अपने प्रशिक्षक श्री अशोक प्रसाद के प्रशिक्षण में हैं, जिन्होंने 3 बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया है। ऐसा करके उन्होंने स्कूलों के साथ साथ राउरकेला शहर की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि सिल्वेस्टर डिसूजा स्कूल के कक्षा 11 कॉमर्स स्ट्रीम का छात्र है। वह पहले भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया है।
उसके माता पिता क्रीड़ा के क्षेत्र में सिल्वेस्टर के प्रति उसके प्राचार्य श्री एलेक्जेंडर डिसूजा के निरंतर समर्थन के लिए भी बहुत आभारी हैं। वर्तमान सिल्वेस्टर दिसंबर 2020 में विजयवाड़ा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।